नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा तरीन खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। ईडी के समन पर भाई राज ठाकरे के समर्थन में आए उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद उनके चचेरे भाई और सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उनके समर्थन में उतर आए हैं। ईडी ने एक मामले की जांच के सिलसिले में राज ठाकरे को समन जारी करते हुए आज पेश होने को कहा है। उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से यह कहते हुए अपना परोक्ष समर्थन जाहिर किया है कि ईडी द्वारा राज ठाकरे द्वारा पूछे जाने पर कुछ भी नहीं निकलेगा। पी चिदम्बरम को लेकर के ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। ड्राइवर से की पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया लुकआउट नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की सड़क, वायु और समुद्र मार्ग से आवाजाही रोकने के लिए उनके खिलाफ नया लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया है कि जांच एजेंसियों से कह दिया गया है कि पी चिदंबरम को देश की सीमा पार नहीं करने दी जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के कई प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के कई प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सेना मुख्यालय द्वारा कराए गए विस्तृत आंतरिक अध्ययन के आधार पर की गई है। इस मंजूरी के बाद थल सेना प्रमुख के अंतर्गत एक स्वतंत्र सतर्कता प्रकोष्ठ को शुरू कर दिया जाएगा। एडीजी को सीधे सेना प्रमुख के मातहत रखा जाएगा। इसके अंतर्गत कर्नल स्तर के 3 अधिकारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना से एक एक अधिकारी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तहत एक अलग विजिलेंस सेल काम कर रही है। विभिन्न एजेंसियों के जरिए विजिलेंस सेल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के काम करता है और इसे कहीं हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होती है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तहत गठित संगठन मानवाधिकार के मुद्दे को देखेगा। अनुच्छेद 370 पर भूटान, मालदीव के बाद अब बांग्लादेश ने कहा, भारत का यह आंतरिक मसला है। भूटान, मालदीव के बाद अब बांग्लादेश ने भी भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के समर्थन किया है। श्रीलंका बहुत पहले ही भारत के इस कदम का समर्थन कर चुका है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश इस बात पर कायम है कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाना भारत का आंतरिक मसला है। बांग्लादेश ने सिद्धांत के तौर पर हमेशा इस बात की वकालत की है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना तथा विश्वास सभी देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी में डीजे बजाने पर रोक, बजाया तो होगी 5 साल की सजा। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण को खतरा मानते हुए डीजे बजाने की अनुमति पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्पताल में भर्ती मरीजों की सहूलियत को देखते हुए सूबे में डीजे बजाने की अनुमति देने से रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने हसीमपुर प्रयागराज के निवासी सुनील चंद्र श्रीवास्तव और अन्य की याचिका पर दिया है। अयोध्या केस मामले में स्वामित्व का कोई सवाल नहीं उठता, जमीन केवल भगवान की है। अयोध्या केस की 9वें दिन की सुनवाई में रामलला विराजमान के वकील ने दलील को बढ़ाते हुए कहा है कि विवादित भूमि पर मंदिर रहा हो या न रहा हो, मूर्ति हो या न हो, लोगों की आस्था काफी होनी चाहिए यह साबित करने के लिए कि वही राम जन्म स्थान है। रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा है कि इस मामले में कभी किसी को प्रतिकूल कब्जा नहीं हुआ है। हिंदुओं ने हमेशा इस स्थान पर पूजा करने की अपनी इच्छा प्रकट की है। स्वामित्व का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, जमीन केवल भगवान की है, वह भगवान राम का जन्म स्थान है, इसीलिए किसी के वहां मंदिर बनाकर उस पर कब्जा करने का दावा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। किसी मूर्ति या मंदिर को नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर मंदिर न भी हो तो भी इस स्थान की पवित्रता बनी रहेगी। पार्ले कंपनी कर सकती है 10,000 कर्मचारियों की छटनी, बिस्कुट की मांग घटना है वजह। क्या देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है? यह सवाल पिछले कुछ दिनों में जोरों शोरों से पूछा जा रहा है। मारुति सुजुकी ने हाल ही में करीबन 3,000 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और अब इसी की तरह एक बड़ी खबर आई है। पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट कंपनी ने कहा है कि कंपनी 10,000 कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। इसकी मुख्य वजह ग्रामीण इलाकों में बिस्कुट की मांग में लगातार गिरावट होना है। न्यूज एजेंसी राइट्स के मुताबिक पार्ले प्रोडक्ट्स में कैटेगरी हेड मयंक शाह ने कहा है कि पार्ले के बिस्कुट में बिक्री में भारी गिरावट का मतलब है कि कंपनी को उत्पाद में भारी कमी करना पड़ रहा है, जिसके अनुसार लगभग 8 से 10,000 लोगों की छटनी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि स्थिति बेहद खराब है, इसी की वजह से सरकार तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती है तो हम इन पदों को खत्म करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। मयंक ने कहा है कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से पार्ले बिस्कुट में पार्ले जी जैसे प्रोडक्ट्स की मांग दिन प्रतिदिन घटती आई है। 72 साल से
गिलगित बाल्टिस्तान को लूट रहा पाकिस्तान, चीन भी दे रहा साथ। पीओके का नाम सुनकर के अक्सर आपके जेहन में ख्याल आता होगा सरहद पार का वो कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। लेकिन पीओके सिर्फ मुजफ्फराबाद तक नहीं, हिंदुस्तान जब भी पीओके को वापस लेने की बात करता है तो उसमें वो भी हिस्सा शामिल है जिसे गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। यही वजह है कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों का हलक सूखता जा रहा है। पाकिस्तानियों को एहसास हो चुका है कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तानियों की खौफ की वजह से उस इलाकों को लेकर भी असली खजाना छुपा हुआ है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान में 1480 सोने के खदान है जिसमें से 123 सोने सबसे बेहतर क्वालिटी के सोने उत्पादित होते हैं। फेसबुक ने शुरू किया ऑफ फेसबुक एक्टिविटी टूल, आपके लिए होगा फायदेमंद। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने एक नया प्राइवेसी ऑफ फेसबुक एक्टिविटी टूल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि कंपनी ने इसका ऐलान कैम्ब्रिज एनालिटिक्स डेटा स्कैंडल के बाद किया था, लेकिन ये अब जाकर के यूजर्स को दिया जा रहा है। हालांकि अभी भी यह दो देशों के यूजर्स के लिए दिया जाएगा और धीरे धीरे इसे सभी देशों के यूजर्स के लिए लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फेसबुक एक यूजर्स को कई तरह के डेटा एक्सेस करता है, जैसे आप फेसबुक पर क्या ब्राउज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन से विज्ञापन को आप देख रहे हैं, इस तरह के डेटा फेसबुक एक्सेस करता है। इसके अलावा लोकेशन डेटा, वाईफाई डिटेल, यह सभी ऑप्शंस इसमें होते हैं। यानी कि आप इसके लिए अगर एक्सेस देंगे तो कंपनी आपका डेटा कलेक्ट करेगी। तमाम तरह के डेटा पर यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल देने के लिए और आरोपों से बचने के लिए फेसबुक ने इस प्राइवेसी टूल का इस्तेमाल अगले कर सकता है। कश्मीर को लेकर के ट्रंप के हिंदू मुसलमान बयान पर ओवैसी का मोदी पर हमला, पूछा सरकार क्यों चुप है। जम्मू कश्मीर को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हिंदू मुसलमान वाले बयान पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है और पूछा है क्या भारत में हिंदू मुसलमान समस्या है, अगर नहीं तो ट्रंप के बयान पर सरकार क्यों चुप है। स्पष्ट नहीं करके क्या हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमें दोनों समुदाय में कोई समस्या है, क्या अमेरिका कोई चौधरी है। देश भर की सभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक महीने की हड़ताल पर, 82,000 कर्मचारियों ने रोका काम। ऐसे समय में जब पड़ोसी देश पाकिस्तान से कश्मीर और धारा 370 को लेकर के संबंध तल्ख हैं और एलओसी पर पाकिस्तानी सेना के रोज फायरिंग हो रही है, देश भर की सभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक महीने की हड़ताल पर चली गई है। देश की सेनाओं के लिए गोला बारूद मुहैया कराने वाली इस फैक्ट्रियों में करीबन 82,000 कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे समय में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गाजियाबाद के मुरादाबाद में है जहां 2,000 कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि सरकार के कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण के खिलाफ भी इस फैक्ट्री के कर्मचारी एक महीने की हड़ताल पर हैं। ओएफबी मुरादाबाद में भारतीय वायुसेना के लिए कारगिल हीरो बम बनाए जाते थे। दरअसल यह 450 किलो के बम होते थे जो लड़ाकू विमान आसमान से दुश्मन के कैंप आदि पर बरस जाते थे। रेलवे का बड़ा फैसला, 2 अक्टूबर तक लगे प्लास्टिक से बने सामानों पर रोक। रेल मंत्रालय ने रेलवे में प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर फौरन हर संभव रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रेल मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि 2 अक्टूबर तक रेलवे को प्लास्टिक से बने सामानों पर नियमों के तहत पूरी पाबंदी लगाई गई है। 2 अक्टूबर यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन सभी रेल कर्मचारियों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की भी शपथ दिलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड ने आदेश के मुताबिक रेलवे ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर तुरंत प्रभाव के पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसमें से रेलवे के सभी वेल्डर्स को प्लास्टिक के कैरी बैग का इस्तेमाल बंद करने के लिए जागरूक करने को कहा गया है। रेलवे के सभी स्टाफ को प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए जागरूक करने के लिए कहा गया है। इसकी जगह दोबारा इस्तेमाल में आने वाला पर्यावरण के लिए अनुकूल बैग मतलब कि इको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। कार चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है, 1 दिसंबर से लागू होगा हाईवे पर नया नियम। सरकार ने राज्यों को दिया निर्देश। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को जगह मुहैया कराए जिससे कि फास्टैग बिक्री के लिए पॉइंट बनाया जा सकेगा। आपको बता दें कि सरकार ने 1 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग से टोल भुगतान करने के फैसले को स्वीकार कर दिया है। फास्टैग एक वाहन की विंडस्क्रीन से जुड़ा हुआ एक उपकरण है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑडिफिकेशन तकनीकी पर आधारित होता है। इससे गाड़ी यदि चल भी रही होती है तो बूथ प्लाजा पर गुजरने पर आप यह अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा और टोल पर किराया सीधे बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा। पाक से तनातनी के बीच बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत, अगले महीने मिलेगी पहला रफाल। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत बढ़ने वाली है। भारत को पहला रफाल विमान 20 सितंबर को मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ फ्रांस में पहला रफाल जेट विमान लेने जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बी एस
धनोआ की मौजूदगी से 20 दिसंबर को रफाल भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ्रांस के अधिकारी वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ और विभिन्न रक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में रफाल विमान सौंप दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि सितंबर के तीसरे माह से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रफाल विमान पारंपरिक रूप से भारत को सौंप दिया जाएगा। सौंपते वक्त फ्रांस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।